हरियाणा में नायब सैनी ने दूसरी बार सीएम पद के लिए शपथ। सैनी बने राज्य के 19वें मुख्यमंत्री। हालांकि मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचने वाले 11वें नेता है नायब सैनी। शपथ ग्रहण समारोह पंचकुला के दशहरा ग्राउंड में हुआ आयोजित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के विज्ञान भवन में अंतर्राष्ट्रीय अभिधम दिवस और पाली को शास्त्रीय भाषा के रूप में मान्यता देने के समारोह में भाग लिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, दुनिया युद्ध में नहीं बल्कि बुद्ध में समाधान ढूंढ सकती है। दुनिया को शांति के रास्ते पर चलने के लिए बुद्ध की शिक्षाओं से सीखना चाहिए। बीते 4 दिनों से भारतीय विमानों में बम होने की मिल रही है धमकी। गुरुवार को विस्तारा और इंडिगो की फ्लाइट में बम होने की फिर मिली धमकी। पीटीआई के मुताबिक धमकी मिलने के बाद विस्तारा की फ्रैंकफर्ट मुंबई फ्लाइट UK-28 की मुंबई में आपात लैंडिंग कराई गई। धमकी सोशल मीडिया के जरिए दी गई। नई दिल्ली में आयोजित इंडिया CSR एंड ESG समिट 2024 का आयोजन। भारत CSR और ESG शिखर सम्मेलन के 1 दशक पूरे होने के उपलक्ष्य में 11वें संस्करण की घोषणा की। 16 और 18 अक्टूबर 2024 को होटल पुलमेन नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। राजस्थान में तापमान के उतार चढ़ाव शुरू। अजमेर, कोटा, धौलपुर, बारा में कल रात का न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे हुआ दर्ज। जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, जालौर में भी रात के तापमान में 2 से 3 डिग्री तक की गिरावट होने से बड़ी ठंडक। तापमान में बढ़ोतरी से कल कई शहरों में गर्मी बढ़ गई। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार अगले 4 दिन राजस्थान में मौसम शुष्क रहने और तापमान में इसी तरह उतार चढ़ाव होने की है संभावना। RTO प्रथम कार्यालय का निरीक्षण। परिवहन सचिव सुचित त्यागी ने किया निरीक्षण। लाइसेंस शाखा, गैर परिवहन पंजीयन, टैक्सी शाखा समेत अन्य शाखाओं के कार्यों का लिया फीडबैक। परिवहन सचिव ने समय पर कार्य व साफ सफाई के दिए दिशा निर्देश। शहरी विकास एवं स्वायत्त शासन मंत्री झावर सिंह खर्रा ने कहा, सरपंच और पंच के चुनाव इस बार बैलेट पेपर से होंगे, हाथों हाथ रिजल्ट जारी किया जाएगा। कहा, एक राज्य एक चुनाव की सोच के साथ ही राजस्थान आगे बढ़ रहा है। नगर निगम, नगर परिषद, पंचायत समिति, जिला परिषद और ग्राम पंचायतों के चुनाव एक साथ ही होंगे। इस दौरान EVM की कमी नहीं आएगी। चुनाव आयोग से इस बारे में करेंगे चर्चा। अजमेर में अंजुमन कमेटी के सचिव सरवर चिश्ती ने बहराइच में हुए उपद्रव पर बयान दिया। मुंबई में हुई बाबा सिद्दीकी की हत्या को लेकर सरकार पर उठाए सवाल। कहा, मुसलमानों को गालियां बकी जाएगी, उनके घर पर चढ़कर हरा झंडा उतारकर भगवा झंडा लहराया जा रहा है, फिर फूल तो बरसेंगे नहीं, जो हुआ वही होना था। शिक्षा मंत्री के बयान पर शिक्षक संगठनों में नाराजगी। आक्रोशित शिक्षकों का बयान। कहा, महिला शिक्षकों को दिया बयान बेहद ही शर्मनाक और अपमानजनक। मंत्री के बयान से शिक्षकों में भारी रोष व्याप्त। जल्द करेंगे धरना प्रदर्शन। फेमिना मिस इंडिया का ऐलान। मध्य प्रदेश की रहने वाली निकिता पोरवाल ने फेमिना मिस इंडिया 2024 का खिताब जीता। अब निकिता मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में देश का प्रतिनिधित्व करेगी।